धनवान बनने के लिए दो बातें हमेशा ध्यान में रखना। जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुखी और धनवान बनने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझाऊंगा, जो आपको जीवन में बहुत काम आएंगे। बस आपको ध्यान से सुनना और समझना है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक सिद्ध महात्मा गांव-गांव घूम करके बस एक ही बात कहते थे, जो चाहोगे वह पाओगे, जो चाहोगे वह पाओगे। बहुत लोग महात्मा जी की आवाज़ सुन करके आते और चले जाते, कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। कोई उन्हें पागल कहता, कोई उन्हें ढोंगी, कोई कोई तो कहता कि इतना ही सब कुछ देने की सामर्थ है तो स्वयं क्यों गली गली भटक रहे हो। पर महात्मा जी तो महात्मा जी थे, सब कुछ त्याग करके साधु बने। और सत्य बात है, संत वही होते हैं जो स्वयं को कुछ नहीं करते, बल्कि अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा और परोपकार में लगा देते हैं। अपने लिए तो पशु भी जी लेता है, जिसके जीने से हजारों जिए बस उसी का जीना जीना कहलाता है। महात्मा जी का रोज रोज का नियम था, वह सुबह से शाम तक बस एक ही बात कहना, जो चाहोगे वह पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा जी के पास में आया, हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं बहुत निर्धन हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे मेरा जीवन सही से कट जाए और मैं अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकूं। कहते हैं, गृहस्थ जीवन में पढ़कर के यदि परिवार का पोषण नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए, और वह व्यक्ति पाप का भागी भी होता है जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है। महात्मा जी बोले, बेटे तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी और समझनी होगी और माननी होगी। इतना कहकर महात्मा जी ने उस व्यक्ति को एक हीरा और एक मोती दिया और कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ, इसका नाम है समय, और जो मोती है उसका नाम है धैर्य। इन दोनों को तुम अपनी मुट्ठी में ठीक से पकड़ लो, इन्हें कभी मत छोड़ना, ये दोनों चीज़ें तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध करेंगी। जब कभी समय देने के बाद भी मन के अनुसार परिणाम ना मिले तो बस निराश नहीं होना है, उस समय तुम्हें यह धैर्य रूपी को पहन लेना है। कहते हैं, जिसके पास धैर्य है उसे दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो आपको बुरे वक्त में हिम्मत देता है और अच्छे वक्त में भटकने नहीं देता है। समय और धैर्य के बल पर बड़ी से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है। ये समय बड़ा मूल्यवान है, इसे कभी अन्यथा बर्बाद ना करें। समय का सदुपयोग धैर्य के साथ करें तो जो आप चाहोगे वह आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता रहा हूँ, जिन्हें भली भांति हमें ध्यान में रखना होगा। नंबर एक है, मन में आशंका नहीं होनी चाहिए। कहते हैं, जब व्यक्ति किसी विषय को लेकर के दुविधा में पड़ जाता है तब उसका कार्य तो रुक ही जाता है, साथ ही साथ सरल से सरल काम भी कठिन बन जाता है। मन में उठी दुविधा सोचने के सारे मार्गों पर विराम लगा देती है। फिर वह सोचता है, ऐसा काम करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। कहते हैं, कुशल और योग्य व्यक्ति के अंदर भी यदि आत्मविश्वास की कमी आ जाए तो वह भी दुविधा में पड़ जाता है। किसी काम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं पर विश्वास बनाना चाहिए कि इस काम को हम अच्छी तरह से पूरा करके समाप्त करेंगे। मन में दुविधा तभी आती है जब हम आत्मबल से कमजोर पड़ जाते हैं। मन की दुविधा निश्चित और अनिश्चित दोनों को नष्ट कर देती है। कई विषयों पर एक साथ विचार ना करें, जब भी करें पहले एक विषय को सोचकर उसे पूरा करें, फिर उसके बाद में दूसरे पर ध्यान दें। और नंबर दो है, समय को पहचानो। एक कहावत है, अवसर के भी पंख होते हैं, उसे पहचान कर यदि पकड़ लिया तो ठीक, वरना वही उड़कर कहीं और चला जाएगा। अवसर का एक निश्चित समय होता है, वह आपके पास किसी भी रूप में आ सकता है,
बस आपको उसे पहचानना है। लोग कहते हैं कि अवसर एक बार हर किसी के पास में आता है, वही अलग बात है कि उसने उसे पहचाना नहीं या जानकर भी उसे ठुकरा दिया। कुछ लोगों के पास तो अवसर कई बार पहुंच जाता है, फिर भी वे उसे नहीं देख पाते हैं। पर यह ध्यान रखना, अवसर चलकर उन्हीं लोगों के पास में जाता है जिनके पास योग्यता होती है। और नंबर 3 है, हमेशा उत्साह में रहें। कहते हैं मनुष्य की जिंदगी में अगर उत्साह नहीं है तो वह प्रगति नहीं कर सकता। उत्साह हमें काम करने की शक्ति देता है, हमारे अंदर के आलस्य को बाहर निकाल फेंकता है। वह हर क्षण काम करने के लिए तत्पर रहता है। उत्साहहीन व्यक्ति करने योग्य कार्य को भी नहीं करना चाहता है। उत्साह असंभव कार्यों को भी संभव बना देता है। वह हमारी ऊर्जा तो बढ़ाता ही है, हमारी विचार शक्ति को भी सकारात्मक दिशा में ले जाता है। जीवन का प्रत्येक कार्य बिना उत्साह के सफल और संपूर्ण नहीं हो सकते। नंबर 4 है, मन से कभी कमजोर ना हो। कहते हैं शरीर के अंदर जितना योगदान हाथ पैरों का रहता है, आंख नाक मुंह कान का रहता है, उससे कहीं अधिक योगदान मन का रहता है। यदि मन साथ ना दे तो ये सब भी कमजोर पड़ जाते हैं। मन जैसे इनके अंदर प्राण फूंकने का कार्य करता है, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी और आर्थिक कमजोरी लाने की जड़ है। किसी भी व्यक्ति की उन्नति में बाधा उसकी हीन भावना ही होती है। जो अपने मन में निराशा को उत्पन्न होने देता है, विचारों में दरिद्रता बनाए रखे, वह कभी सफल नहीं हो सकता। उनके प्रयत्न करने पर भी कोई लाभ नहीं होता है। मित्रों, महात्मा जी के बताए मार्ग पर चलकर के वह व्यक्ति एक हीरो के व्यापारी के पास में पहुंचा। उसने मन में प्रयत्न कर लिया, उसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे एक दिन हीरो का व्यापारी बनना ही है। दोस्तों, वह हीरो के व्यापारी के पास गया और काम करने लगा। काम करते 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 उसने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन वह उन हीरों का व्यापारी बन गया। वह व्यक्ति सबसे बड़ा हीरे और जवाहरातों का व्यापारी कहलाया। दोस्तों, इतना बड़ा व्यापारी बना कि पूरी दुनिया में उसके चर्चे होने लगे। मित्रों, यह वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, अपना मत प्रकट अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।